सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में आंधी की तरह आई और फिल्म ने 511 करोड़ रुपए बटोर लिए। वहीं शाहरुख खान की फिल्म जवान तो तूफान लेकर आ गई है, 2 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ का कारोबार कर लिया। वहीं सलमान खान की फिल्में भी 200 या 300 करोड़ से कम की बात नहीं करती, जबकि आमिर खान वो स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, 300 करोड़ क्लब बनाए। लेकिन इन तमाम एक्टर्स पर भारी पड़ते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय। वो भारी क्यों पड़ते हैं ये हम आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अक्षय की इतनी सारी फ्लॉप फिल्में हैं फिर कैसे वो इन तमाम एक्टर्स पे भारी पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि अक्षय कुमार ने अब तक अपने 126 फिल्मों से बॉलीवुड को 8000 करोड़ की कमाई करके दी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े में अक्षय कुमार से काफ़ी पीछे रहते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सनी देओल, अजय देवगन जैसे तमाम एक्टर्स। वहीं अगर बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब की बात करें तो इस क्लब में भी अक्षय कुमार की सबसे ज़्यादा फिल्में हैं। उन्होंने अब तक 1600 करोड़ी फिल्में दी हैं। तो अक्षय कुमार के बर्थडे पर चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्यों वो कहलाते हैं बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी। बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी कहलाते हैं अक्षय कुमार। बॉलीवुड में अपनी फिल्मों के जरिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं अक्षय कुमार। इस रेस में वो रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स को देते हैं मात। अक्षय साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और उनकी फिल्में कभी होती हैं सुपरहिट तो कभी निकाल लेती हैं अपना एवरेज। जी हाँ, अपने अब तक के फिल्मी करियर में उन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ने अपनी 126 फिल्मों से वर्ल्ड वाइड $250 मिलियन यानी करीब 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कमाई की है। इन आंकड़ों को देखें तो अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार रहे हैं। कैसे अक्षय ने खान और रजनी को हराया? किसी को आश्चर्य हो सकता है कि अक्षय कुमार इस लिस्ट में सबसे आगे कैसे हैं, जबकि उनकी किसी भी फिल्म में कभी भी 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं किया। वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रजनीकांत और प्रभास जैसे एक्टर्स ने ऐसा कई दफा किया है। दरअसल अक्षय का जबरदस्त कलेक्शन उनकी हर साल एक साथ कई फिल्मों को लगातार करते रहने से है। बाकी एक्टर्स साल में एक या दो फिल्में करते हैं, जबकि अक्षय कुमार की 4 से 5 फिल्में रिलीज हो जाती हैं। अन्य सितारों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा फिल्में करने की वजह से अक्षय बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने में कामयाब रहे हैं। भारतीय फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर 15 साल पहले उछाल आना शुरू हुआ था, जब साल 2008 में आमिर खान की फिल्म गजनी ने 100 करोड़ क्लब की स्थापना की थी। तब से अक्षय ने 52 फिल्में की हैं, जिनमें वो मुख्य भूमिका में रहे हैं, और इसके तुलना में इसी ड्यूरेशन में शाहरुख खान ने 15 फिल्में, सलमान ने 25 फिल्में और आमिर ने केवल 9 फिल्में की हैं। जाहिर है 4 से 5 फिल्में करना आसान नहीं रहता, लेकिन खिलाड़ी कुमार अपनी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन लाइफ की वजह से आसानी से 4 से 5 फिल्में शूट कर लेते हैं। यही नहीं, अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के लिए फीस भी बहुत तगड़ी वसूलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 100 करोड़ क्लब में अक्षय की कितनी भागीदारी है। आपको बता दें, इस क्लब में अक्षय कुमार सलमान खान के साथ शेयर करते हैं नंबर 1 पोजीशन। अक्षय की अब तक 16 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं 200 करोड़ क्लब में उनकी 3 फिल्में हैं। खिलाड़ी कुमार की फिल्म गुड न्यूज ने अब तक 205 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। वहीं 2019 में रिलीज हुई मिशन मंगल ने भी 200 करोड़ क्लब में जगह बनाई थी और फिल्म का टोटल कलेक्शन 202 करोड़ रुपए रहा था। अक्षय की फिल्म हाउसफुल 4 भी 200 करोड़ क्लब में पहुंची थी और फिल्म ने 204 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं रुस्तम, हाउसफुल 3, एयरलिफ्ट, राउडी राठौड़, जॉली LLB, टॉयलेट एक प्रेम कथा, गोल्ड 2.0, केसरी, OMG 2 जैसी फिल्में 100 करोड़ के क्लब में रही थी। ये तो बात थी उनके 100 करोड़ फिल्मों की। अब आपको याद दिलाते हैं साल 2019 का साल। वो साल ऐसा था जब अक्षय कुमार की फिल्मों ने 757 करोड़ की कमाई की थी। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी और चारों फिल्में उनकी सुपरहिट हुई थी। गुड न्यूज ने 204 करोड़ कमाए तो मिशन मंगल ने 202 करोड़। वहीं उनकी फिल्म हाउसफुल 4 भी 200 करोड़ पार कर गई। इसके अलावा उनकी फिल्म केसरी भी आई थी जिसने 160 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। यही नहीं, साल 2016 में भी अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा ही मैजिक किया था। उस साल उनकी बैक टू बैक 3 फिल्में 100 करोड़ क्लब में गई थी और वो उस साल भी बॉलीवुड के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार बन गए थे।
भले ही अपने करियर में अक्षय कुमार ने काफी फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनके आंकड़े बहुत इंप्रेसिव हैं। एक साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, और यही वजह है कि कभी अक्षय कुमार, जिनको बी ग्रेड स्टार कहा जाता था, आज वो बॉलीवुड में सुपरस्टार है। अपने स्टारडम की वजह से वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन समेत कई स्टार्स को टक्कर देते हैं। अभी भी उनकी फिल्मों की लिस्ट देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने 10 से ज़्यादा फिल्में साइन कर रखी हैं। आज अपने बर्थडे पर भी उन्होंने अपनी फिल्म वेलकम 3 का ऐलान किया है, और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसे वसूलने वाले भी एक्टर वही हैं। यही नहीं, इनकम टैक्स भरने में भी अक्षय कुमार का मुकाबला कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में करते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स भी चुकाते हैं।